गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, YouTube की इस डिलाइट अकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे हम, और पार्ट 1 हमने ऑलरेडी समझा दिया था। उसके अंदर इरेशनल रेशनल नंबर क्या होता है सब बता दिया था, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, NTR, NTNR सब समझा दिया था। अभी हम बात करेंगे पार्ट 2 के अंदर कि नंबर को कैसे लिखा जाता है, कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, वो भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देख चुके हो तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, फिर आप पार्ट 2 देखिए। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिख के रखे हुए हैं, ये सारे नंबर्स हैं, वो देखो 1.33333। इट मीन्स 1 पॉइंट के बाद में 3 है, वो 5 बार रिपीट हो रहा है या लगातार रिपीट होते जाता है। ऐसे नंबर में हम क्या करते हैं कि उनका रिपीटेशन नहीं लिखते हैं, हम उसके ऊपर एक बार लिख देते हैं। तो बार लिखने से सामने वाला ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि ये नंबर है वो रिपीट हो रहा है। जैसे मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं बार, तो इस तरीके से हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया। फिर दूसरी बात करेंगे 0.43 43 43, मतलब दो दो नंबर की जो पैर है वो रिपीट हो रही है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 0.43 बार, राइट। फिर बात करेंगे यहां पे, देखिए 3.412 412 412, यहां पे पॉइंट के बाद में 3 नंबर्स आपस में रिपीट हो रहे हैं, तो 3.412 बार। इस तरीके से आप देखो नीचे वाला जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, उसमें देखो 0. यहां पे देखो 2 2 2 2 एंड 2, 4 रिपीट नहीं हो रहा है तो 4 तो लिखेंगे वैसा का वैसा, मगर 2 रिपीट हो रहा है तो हम 2 के ऊपर बार कर देंगे। तो इस तरीके से हमने सारी कंडीशंस देख ली, किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि ये नंबर रुकते नहीं है और लगातार रिपीट होते जाते हैं, तो आप इनके ऊपर बार करके लिख दीजिए, ये आपका शॉर्ट में लिखने का तरीका हो जाएगा। अब किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को रेशनल नंबर, इट मींस पी बाय क्यू फॉर्म में कैसे दिखाया जाए समझ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मुझे मेरा जो गोल रहेगा, मेरा जो टारगेट रहेगा, वो 0.33333, ये लगातार चलता जा रहा है, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया 0.3 बार। अब मुझे इस नंबर को पी बाय क्यू फॉर्म में दिखाना है। वैसे तो बहुत ही कठिन काम है, पॉइंट के बाद में कितने नंबर आ रहे हैं वो आपको मालूम नहीं है। जैसे मैं अगर 0.2 लिखा होता तो मैं इसको तुरंत लिखता 2/10, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद में एक नंबर आ रहा, तो मैंने एक जीरो लगा दिया। अब यहाँ पे तो पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, तो मैं इस नंबर को इस फॉर्म में नहीं लिख सकता। हाँ, कुछ इसके अलावा कुछ और नंबर्स रहेंगे जिसका हम अज्यूम्पशन नहीं कर सकते, दिमाग में सोच नहीं सकते कि क्या होगा। तो देख लेते हैं, हमारे पास एक कॉमन मेथड है, उस कॉमन मेथड से आप किसी भी NTR नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को पी बाय क्यू फॉर्म में दिखा सकते हो। स्टेप नंबर 1, जो नंबर आपको दिया हुआ है उसको आप एक्स एज्यूम कर लीजिए। तो 0.3 बार दिया हुआ है तो मैं इसको x एज्यूम कर लेता हूँ, और मैं हमेशा से इस बार को हटा देता हूँ पहले स्टेप में। NCERT बुक में भी ये हटा दिया हुआ है, और मैं पॉइंट के बाद में 4 नंबर रखता हूँ। वैसे तो ये पॉइंट के बाद में लगातार चलता ही जाएगा, मगर मैं पॉइंट के बाद हमेशा 4 नंबर रखता हूँ, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कोई परेशानी नहीं है लिखने में। 0.3 को ऐसे लिख सकते हो आप, मैं पॉइंट के बाद में हमेशा 4 नंबर लेता हूं ताकि मेरी एक्यूरेसी रहे। तो पहले नंबर में ले लिया x इज इक्वल टू 0.3 बार, दैट्स इक्वल टू 0.003333। पॉइंट के बाद में मैं हमेशा 4 नंबर लेता हूं, आप चाहो तो 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, मगर फॉर एक्यूरेसी मैं हमेशा 4 लेता हूं, आप भी 4 लोगे तो अच्छा रहेगा। अभी स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि पॉइंट, यहाँ पे देखो कितने नंबर के ऊपर बार है, यहाँ पे एक नंबर के ऊपर बार है, तो आप क्या करोगे, दोनों साइड
टेन से मल्टीप्लाई कराओगी। अगर यहाँ पे बार के नीचे दो नंबर हैं तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कराओगे। यहाँ पे बार के नीचे तीन नंबर हैं तो आप दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में बार के नीचे एक ही नंबर है तो मैं मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वन बाय 10। इक्वेशन वन के दोनों साइड पे मैं 10 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 0.3333, क्योंकि मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा था इसलिए मैं ये वाला नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसको मल्टीप्लाई 10 करवाना है आपको और एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई 10 कराना है। ये देखो मल्टीप्लाई में पॉइंट इस साइड जंप करता है, डिवाइड में पॉइंट इस साइड जंप करता है। एक जीरो है तो एक जंप कर लेगा 3.3333 इज इक्वल टू, ये हो गया 10x। मैं हमेशा पॉइंट के बाद में चार नंबर लिखता हूँ तो पॉइंट यहाँ से जंप कर गया तो 3 आ गया और 1 2 3 1 2 3, मैंने एक 3 एक्स्ट्रा लगाया है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद लगातार 3 आ रहे हैं तो आप ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अभी ऐसे सारे जो क्वेश्चन आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आपको क्या करना है, 2 में से 1 को माइनस कर देना है। इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देना है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से। इसका लेफ्ट साइड ये था 3.3333 माइनस, इस इक्वेशन का लेफ्ट साइड ये था मगर मैंने इसको इस तरीके से दिखाया था इसलिए 0.3333। पॉइंट के बाद में चार नंबर, पॉइंट के बाद में चार नंबर। अभी आपको समझ में आया कि हम पॉइंट के बाद में चार नंबर क्यों लेते हैं। अब देखो इक्वेशन 2 का राइट साइड 10x है और इक्वेशन 1 का राइट साइड x है। अब देखो पॉइंट के बाद में 3333, पॉइंट के बाद में 3333, ये तो कट हो जाने वाला है और 3 - 0 इज इक्वल टू 3। 10x - 1x, क्लास 9 के बच्चे हो, एलजेब्रा सीख के आए हो मुझे मालूम है। अब मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे 9x कैसे आया। लीनियर इक्वेशन का पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, तो टाइप 1 में देख लेना कि आगे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ, 9x इज इक्वल टू 3 लिख दिया मैंने, ये 9 गया नीचे, x इज इक्वल टू 3/9 हो गया। अब इसको कट कराएंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 3 3 जा कट हो जाएगा तो 1/3। फाइनली हमने जो सोचा था वो कर दिखाया, 0.3 बार इज इक्वल टू 1/3 और ये देखो p/q फॉर्म में आ गया। इट मीन्स ये रेशनल नंबर है। वैसे आप किसी भी नंबर को इस मेथड से कर सकते हो, मैंने काफ़ी सारे NCERT में से क्वेश्चंस लिए हैं। अब मैं सेकंड क्वेश्चंस के अंदर आपको इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। क्लास 9 के बच्चे हो, बड़े बच्चे हो और सब समझदार हो तो मैं सेकंड वाले क्वेश्चन में एकदम साइलेंट हो जाऊंगा और फटाफट करूंगा ताकि आपको थोड़ा जल्दी में समझ में आए, वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो और ज़्यादा टॉपिक्स कवर हो। तो देखो यहाँ पे 0.42 को हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, p/q हमें लाना है। तो स्टेप नंबर 1, लेट्स एज्यूम 0.42 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक्स इज इक्वल टू 0.42, इसको मैं लिख रहा हूँ पॉइंट के बाद में चार नंबर, 4242, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब बार के नीचे दो नंबर हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, तो एक्स को 100 से मल्टीप्लाई कराओ 100x हो गया और इसको 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो राइट साइड में दो जंप करेगा तो 4.2442 इक्वेशन नंबर 2 हो गया।
अभी इक्वेशन हम 2 से 1 माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड का पार्ट लेफ्ट साइड से माइनस होगा, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड का पार्ट है वो राइट साइड से माइनस होगा, माइनस 0.4242। पॉइंट के बाद में ये चार नंबर कट हो जाएंगे, सेम है इसलिए 42 माइनस 0 इज इक्वल टू 42, 100 माइनस एक्स। एलजेब्रा पढ़ के आए हो तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर नहीं पढ़ा है तो एलजेब्रा की सीरीज पूरी यूट्यूब के ऊपर एक बार देख लेना, अगर यहां पे बेसिक नहीं किया तो फिर मैथ्स तो गया पानी में आपका, समझ लेना। 99x 99 गया नीचे, x इज इक्वल टू 42 बाय 99, ये आपका हो गया p बाय क्यू फॉर्म में। और हमने x को क्या माना था, x इज इक्वल टू 0.42, तो ये आपका हुआ आंसर। तो आप किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को आप इस तरीके से p बाय क्यू फॉर्म में ला सकते हो। थर्ड वाले क्वेश्चन में मैं बिल्कुल साइलेंट हो जाऊंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, सीधा सॉल्व करूंगा, आपको सिर्फ देखना है, राइट। बट देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद में एक ही बार के नीचे एक ही नंबर है तो मैं मल्टीप्लाई 10 ही करवाऊंगा, और पॉइंट के बाद में चार नंबर लिखूंगा, वो आपको एक बार देख लेना है। यहां पे 1, 2, 3, 4 नंबर हो गए और दो ही रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने चार नंबर करने के लिए 2 को 3 बार लिख दिया। बार के नीचे एक नंबर है, 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स था 10x हो गया, राइट साइड में एक जंप करवाएंगे 4, 2, 2, 2, 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.2222 माइनस 0.4222। देखो पॉइंट के बाद में जो सारे नंबर्स आ रहे हैं वो सेम नहीं आ रहे हैं, इस बार आप धोखा मत खाना, जैसे मैं हर बार कट करता हूं वैसे आप यहां पे कट मत कर देना, अगर पॉइंट के बाद सेम नंबर होते हैं तो ही आप ऐसा करो। चलो माइनस कर लेते हैं, जीरो 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 12, 3, 8, यहां पे आपका आंसर आया 3.8 और यहां पे आ जाएगा 9x, x इज इक्वल टू 3.8 डिवाइड बाय 9, x इज इक्वल टू, मैं पॉइंट को हटा रहा हूं, 38 बाय 90। चेक कर लेते हैं 38 बाय 90 क्या आंसर आता है, मेरे पास कैलसी है, कैलसी में मैं चेक कर लेता हूं, फिलहाल मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा नहीं सकता, कैमरा का सेटअप खराब हो जाएगा। 38 बाय 90, 0.422222, इट इज करेक्ट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हमने पी बाय क्यू हमें दिखा दिया, और साथ साथ में 38 बाय 90 है, हमने x एज्यूम किया था और x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0.42 बार। तो ये आपका आंसर हुआ। आप वैसे किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को पी बाय क्यू हम में दिखा सकते हो। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पार्ट 3 के अंदर कवर करेंगे कि आगे वाला टॉपिक आपके एक्सपोनेंट के रूल्स और साथ साथ में लीनियर मैग्नीफिकेशन है और आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.6 भी हम पार्ट 3 के अंदर कवर कर लेंगे। तो अभी तो फिलहाल लीनियर मैग्नीफिकेशन बहुत छोटा टॉपिक है तो इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत ही इजी कंसेप्ट है कि कैसे करना है, नंबर लाइन के ऊपर आपको मालूम पड़ आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन मतलब किसी भी डेसिमल नंबर को आप नंबर लाइन के ऊपर कैसे दिखा सकते हो, वो भी स्टेप बाय स्टेप। अब किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप क्या कीजिए कि जितने नंबर हैं उतने आप नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो यहाँ पे चार नंबर्स हो रहे हैं 1, 2, 3, 4, तो मैं चार नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं।
कभी कभी इसमें आपको रिपीटिंग नंबर्स देते हैं, तो आपको क्या करना है कि पॉइंट के बाद में 3 या 4 नंबर तक ले लेना है और उसके बाद सॉल्व नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे पहले क्या है, 4 है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 4, और 4 के आगे क्या आता है, 5, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4.2 है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 4.2, फिर यहाँ पे 4.23, 4.23, और यहाँ पे 4.23, ऑलमोस्ट हमारा नंबर इसी के बीच में आ जाएगा। तो हम पहले समझ लेते हैं कि 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में आप देखो क्या क्या आएगा, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9। अब देखो 4.2 और 4.3 को हम जूम कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 अप टू 4.29 तक। मगर देखो हमें 23 तक जाना है, तो ये 23 आपका यहाँ पे आ जाएगा और 24 यहाँ पे आ जाएगा, 4.24। अब ये 23 है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या आएगा, 4.231, 4.232, 4.233, 4.234 अप टू 4.239। बट हमारा जो आंसर था वो क्या था, 4.232, तो 4.232 यहाँ पे है। आपको एक एक्स्ट्रा नंबर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद रखना है कि जितने नंबर्स होते हैं उससे -1 नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। अगर यहाँ पे 4 नंबर दिए हैं तो 3 नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, 5 नंबर हैं तो 4 नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। जितने नंबर्स होते हैं उससे -1 टाइम नंबर लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। और देखो यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, 42 था, 4.2 था तो मैंने 4.2 लिख दिया, 4.23 था तो मैंने यहाँ पे 4.23 लिख दिया। फिर तो क्या करना है कि 4 के बाद में क्या आता है, 5, तो उसके बीच के नंबर, 4.2 के बाद में क्या आते हैं, 4.3, तो उसके बीच के नंबर, और 4.23 के बाद में क्या आता है, 4.24, तो उसके बीच के नंबर। तो इस तरीके से आपको थर्ड वाली नंबर के अंदर, लास्ट वाली नंबर्स के अंदर आपको यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आपका जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा। क्या नंबर था आपका, 4.232। या आप इस तरीके से लीनियर मैग्निफिकेशन करके आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जितने डिजिट्स हैं उसको -1 करते हुए आपको नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और सिंपल तरीका है, जो जो नंबर्स आपको पहले दिख रहे हैं वो बारी बारी से आप रखते जाओ, +1 करते जाओ और बीच के नंबर लिखते जाओ, आपको लास्ट वाली नंबर लाइन में ऑटोमेटिक वो नंबर दिख जाएगा, उसके ऊपर आप सर्कल कर दीजिए। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, इस वीडियो में हम इतना ही टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 1.6, जो आपके चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज है एक्सपोनेंट वाली, हम इसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।